I'm your chemistry teachers. All right, now start chapter number 2 of chemistry. Okay, first topic is matter. Matter can be divided into two types. First one is pure substances and second one is impure substances. Clear? And pure substances can be divided into two types, element and compound. And similarly, impure substances also divided by two component. First one is homogeneous, second one is heterogeneous. Clear? Element can be broken into simple substances like as this copper, oxygen, hydrogen. Okay, next one is compound. Have fixed composition can be broken down into element by chemical or electrochemical reaction. Example, water, sugar, salt and etc. It means first aapke paas pure substances hoga. अब देखिए आपके पास प्योर सब्सटेंसेस तो उसके सारे पार्टिकल जितने भी पार्टिकल सारे के सारे पार्टिकल सिमिलर होंगे. ठीक हो गया. उसमें सबसे पहले बेटा एलिमेंट है. एलिमेंट में कह रहे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस है. एलिमेंट पहले से ही सिंपल फॉर्म में होते हैं. कॉपर सिंगल फॉर्म में, ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में, हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में. ये आपके पास डबल या ट्रिपल फॉर्म में नहीं होते हैं, पहले से ही सिंगल है. तो उसको और सिंगल किस फॉर्म में ब्रेक करोगे. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप H2 को ब्रेक करोगे तो आप कितना सिंपल भी कर लोगे रहेगा हाइड्रोजन ही आपके पास. ठीक है. लाइक एज दिस कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कॉपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना भी ब्रेक कर लो तब भी वो क्या रहेगा, इनिशियल स्टेट में वही प्रॉपर्टीज वो करेगा. नेक्स्ट है कंपाउंड. कंपाउंड में जैसे आपने कोई कंपाउंड बना दिया H2SO4, H2O, HNO3, ठीक है, HCl और आपके पास MgCl2, CaCl2. तो इट इज़ कंपाउंड में आपके पास एड फॉर्म में होते हैं. आप इसको ब्रेक कर सकते हो. हैव फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट. तो इट मींस आप कंपाउंड को एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू. जैसे आप दो चीज़ों की रिएक्शन कराते हो उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट. एग्जाम्पल में वाटर, सुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस है. इम्प्योर में आपके पास क्या होता है. इम्प्योर में याद रखिएगा कि देखिए अभी तक हम प्योर की बात कर रहे थे. प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आपके पास आ गए हैं. एलिमेंट जो सिंगल फॉर्म में होंगे, कंपाउंड जो एडिशन के फॉर्म में होंगे. ठीक है. एलिमेंट को आप ब्रेक नहीं कर सकते जबकि कंपाउंड को आप और ज़्यादा ब्रेक स्मॉल पार्टिकल में कर सकते हो. डायरेक्टली आप रिएक्शन करा लीजिए या आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कर लीजिए. ठीक है. अब हम बात करेंगे बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा आपके पास कि आपके पास कुछ तो प्योर होगा, कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, दोनों ऐड होगा, मिक्सचर होगा. फर्स्ट है होमोजीनियस हेटरोजीनियस. वो मिक्सचर होमोजीनियस मतलब कंप्लीट मिसिबल हो सकता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, या हेटरोजीनियस में वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब कंप्लीट मिसिबल नहीं होगा. जैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होमोजीनियस में देखिए आपने सुगर ले लिया और वाटर ले लिया, दोनों को ऐड कर लिया, या वाटर और अल्कोहल को याद कर ऐड करोगे तो आप देखते हो कि कंप्लीट ऐड होता है ना. ठीक है. नेक्स्ट टाइम चलते हैं हेटरोजीनियस में. हेटरोजीनियस बेटा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है जिसमें हम सैंड लेंगे और शुगर लेंगे, दोनों को ऐड करो. आपने सैंड ले लिया वो भी सॉलिड है, शुगर ले लिया वो भी सॉलिड है, क्या वो ऐड होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे. वाटर ऑयल बिल्कुल नहीं होंगे. ये है आपके पास हेटरोजीनियस. आपको समझ में आया इतना? ये जो आपके पास ये चार देखा समझ में आ गया. ओके नेक्स्ट बेटा आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट. इट इज़ अ प्योर सब्सटेंसेस विथ कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस. आपसे कह रहे हैं कि एलिमेंट आपके पास, अच्छा ये भी आपके पास क्या है, इसको और सिंपल फॉर्म में आप डिवाइड नहीं कर सकते. फर्स्ट मेटल, नेक्स्ट मेटलॉइड, नेक्स्ट नॉन मेटल. अपने माइंड में सोचिए कि एलिमेंट पहले से ही सिंपल फॉर्म में है, उसको और सिंपल फॉर्म में कैसे ब्रेक करोगे. अगर आपके पास आप हाइड्रोजन को ब्रेक करो रहेगा तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ब्रेक करोगे रहेगा तो ऑक्सीजन. ठीक है. फर्स्ट है मेटल्स. मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मैलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. अब मैलेबल और डक्टाइल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की है. एग्जाम्पल में कॉपर, गोल्ड और आयरन. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं. ठीक है. इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, उनको देखिए मैलेबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टिव ऑफ हीट के बारे में हम आपको बताते हैं. मैलेबिलिटी मतलब क्या होता है, मेल्ट होने की प्रॉपर्टी, मतलब ये ब्रेक डाउन नहीं होगा. ठीक है. डक्टाइलिटी, अच्छा ये आप पतली पतली वायर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है. आपने देखा हो ना मेटल्स के वायर होते हैं, कॉपर की वायर सुनी होगी आपने. ठीक है. जबकि आपके पास नॉन मेटल में कार्बन की वायर नहीं सुनोगी, क्योंकि कार्बन को आप जैसे ही आप ब्रेक करते हो तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है. क्लियर हो गया. जैसे गोल्ड, आयरन, ये सारी के सारे आपके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. नेक्स्ट बेटा मेटलॉइड. मेटलॉइड मतलब क्या होता है, मेटलॉइड मतलब मेटल्स और नॉन मेटल दोनों ही क्या रहेगा, आपस में ऐड होगा.
क्लियर हो गया। तो मेटलॉइड आपके पास क्या होगा, मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सअप फॉर्म होगा। शो मोर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स, तो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की दिखाएगा, सम प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की दिखाएगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को ऐड करके बनाए। एग्जाम्पल सिलिकन, बोरोन, आर्सेनिक्स के एग्जाम्पल है। नॉन मेटल्स क्या है, देखिए नॉन मेटल्स वो बिल्कुल ही आपके पास नॉन मेटल्स मतलब नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो मेटल्स का बिल्कुल अपोज। तो सल्फर और ऑक्सीजन आपके पास इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों क्या आपके पास गैसेस फॉर्म में है, ये आपके पास मेटल नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये क्लियर हो गया इतना, पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सर, मैंने आपको पहले बताया था मिक्सर क्या होता है, एडिशन होता है दो चीज़ों का, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन, तो इट मीन्स कोई भी आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ले ली और दोनों को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रेशियो में। जैसे आपने H2O किया तो ट्वाइस मॉलिक्यूल H ले लिया, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, तो मिक्सचर फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में फर्स्ट है इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो प्रॉपर्टी में आपके पास मिक्सचर में क्या है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, क्लियर। होमोजीनियस का मतलब कंप्लीट मिस होगा और हेट्रोजीनियस मतलब मे बी हो भी सकता है, मतलब आपके पास जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो मिक्स नहीं होगा। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। सेकंड प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट सब्सटेंसेस रिटेन, तो उसके आपके पास मिक्सचर में क्या होंगे, कंप्लीट क्या होंगे, मिक्स फॉर्म होंगे, ठीक है, रिटेन फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, क्योंकि पहले ही वो मिक्सचर बन चुका है, ठीक है, आप उसको और न्यू कंपाउंड नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट है एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल प्रोसेस, मिक्सचर में दो चीज़ें ऐड और की है, लेट कर लीजिए आपने शुगर के पार्टिकल ले लिए, ठीक है, और बड़े बड़े से सैंड आपने ऐड कर लिया, तो सैंड के पार्टिकल को, शुगर के पार्टिकल को आप डायरेक्टली देख के अलग कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने गेहूं बीनते हो अपने घरों पे, ठीक है, चावल बीनते हो, कूड़ा साफ करते हो, तो लाइक एज दिस फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपल प्रोसेस, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आपको क्या करनी पड़ती है, कोई मेथड यूज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट बेटा इट डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर में कह रही हैं कि इसका कोई फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है उसके नेचर पे। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट इतना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आइए, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास देखिए ये है आपके पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। अच्छा सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें ऐड होके सॉल्यूशन फॉर्म करती है, ठीक है। फर्स्ट है सॉल्यूट, नेक्स्ट है आपके पास सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है आपके पास, देखिए जो लेस अमाउंट में, जैसे आपने 1 टेबल स्पून आपने शुगर ले ली और 1 ग्लास आपने वाटर ले लिया, जो 1 टेबल स्पून आपने शुगर लिया था दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट, और जो 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सबस्टेंस विच इज़ डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, एग्जाम्पल सॉल्ट शुगर, ठीक है। आपके पास सॉल्ट और शुगर जो लेस अमाउंट में होता है उसे बोलते हैं दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस, जो सॉल्यूट होते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में कह रहे हैं लिक्विड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच और सबस्टेंस इज डिजॉल्व लाइक एज इज वाटर, तो लिक्विड पार्ट आपके पास जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। जैसे आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया था दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, जबकि 1 टेबल स्पून सॉल्ट या शुगर लिया दैट इज नोन एज सॉल्यूट। क्लियर। एग्जाम्पल है सॉल्वेंट के कैन बी लिक्विड सॉलिड और गैस, ये भी आपके पास सॉलिड लिक्विड और गैस में अवेलेबल हो सकता है। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी गौर से देखिएगा। पाई चार्ट आपको समझाने का बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं देखिए। फर्स्ट है एक्वस, नेक्स्ट है नॉन एक्वस, ये तो आपको सीधी डायरेक्टली आप पता कर लेंगे कि और सॉल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट। अगर आपके पास क्या है इसमें वाटर सॉल्वेंट फॉर्म में है तो दैट इज नोन एज एक्वस फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्ट और वाटर को आपने ऐड कर लिया, याद रहेगा कि एक्वस वो होते हैं जिसमें वाटर अवेलेबल है। नॉन एक्वस वह है और सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, एग्जाम्पल सल्फर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। और सॉल्यूशन इन इज वाटर इज अ नॉट अ सॉल्वेंट, तो इट मीन्स वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। इतनी चीज़ें याद रहेंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, देखो सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट और कंसनट्रेशन तब होता है जब उसमें क्या होता है अमाउंट ऑफ वाटर होता है ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ये भी डिपेंड करता है, लार्ज अमाउंट में होगा तो लार्ज डाइल्यूट होगा। उसके बाद हमने पढ़ते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड।
ट्रू सॉल्यूशन तो वही है जो आप आर ओ का पानी अपने घरों में जो भी पानी पीते हैं, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, आपको पता है उसके में कोई भी पार्टिकल आप ऐड करते हो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं एंड आर नॉट विजिबल, और आप उसको डायरेक्टली उन पार्टिकल्स को फिर नहीं देख पाते हो। जैसे शुगर को आपने वाटर मिक्स कर लिया, हमने बताया था ना शुगर को वाटर मिक्स करने की प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कह रहे हैं और सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा है कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर, इट मींस अब आपके पास की कैपेसिटी नहीं है कि आप और सॉल्यूट्स में ऐड कर सको। लेट कर लिया आपने 2 टेबल स्पून वाटर ले लिया, उसमें 4 टेबल स्पून आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं होगा ना मिस। तो इट मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कह रहे हैं और सॉल्यूशन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर, तो इट मींस आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कह रहे हैं अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर, तो इट मींस अनसैचुरेटेड मतलब उसमें आपके पास, लेट कर लिया आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, उसमें आपने 2 टेबल स्पून सॉल्ट मिक्स किया, तो ईजिली क्या हो सकता है आपके पास ऐड हो सकता है, उसमें 1 टेबल स्पून और ऐड हो सकता है। नेक्स्ट बेटा फॉर्मूले देखिए कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें हमेशा याद रखिएगा ऊपर आपके पास सॉल्यूट ही आएगा, नीचे सॉल्यूशन। ऊपर आपने लिखा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। अगर नीचे आप क्या लोगे सॉल्वेंट लोगे तो मल्टीप्लाई 100 करना, अगर नहीं लेना है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज है मास ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ऊपर आपने सॉल्यूट ले लिया, नीचे आपने सॉल्यूशन ले लिया, मल्टीप्लाई 100 कर लिया। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल, मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया होल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम के फॉर्मूले में वॉल्यूम, मास के फॉर्मूले में मास, ठीक है। ऊपर वाला मास का फॉर्मूला था, नीचे वाला वॉल्यूम का है, और याद रखिएगा ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट ही आएगा, नीचे आपके पास मास वाले में मास आएगा, वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम। क्लियर हो गया? अच्छा, सस्पेंशन और कोरोलर सॉल्यूशन का आपको पता है, सॉल्यूशन में सस्पेंशन क्या होता है पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर विजिबल विद नेक्ड आइज। इसके पार्टिकल इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप इजीली कर सकते हैं इसके पार्टिकल को सीन कर सकते हो, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है बहुत ज़्यादा बिग साइज होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है कोलाइडर सॉल्यूशन। कोलाइडर सॉल्यूशन में आपसे कह रहे हैं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज, क्योंकि कोलाइडर सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या होते हैं छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू सस्पेंशन से, तो कोलाइडर सॉल्यूशन के पार्टिकल आप नहीं देख सकते डायरेक्टली नेक्ड आइज से, आपको माइक्रोस्कोप या किसी और, ठीक है, किसी मशीन या किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट है सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं तो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल से टकरा जाते हैं। कोलाइडर पार्टिकल के साइज में भी क्या होता है टिंडल इफेक्ट होता है, क्योंकि आपके पास की क्या है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडर सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। जो कोलाइडर सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, तभी आपके पास क्या होगा टिंडल इफेक्ट शो होगा। ट्रांसल्यूसेंट प्रॉपर्टी है, ये भी ट्रांसल्यूसेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं तो क्या होता है आपके पास सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि कोलाइडर पार्टिकल क्या है डू नॉट सेटल डाउन, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं आपके पास छोटे छोटे होते हैं, मतलब कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लिक्विड और ऑयल को मिक्स कर दिया, क्या मिल्क के जो पार्टिकल होते हैं वो आपके पास नीचे रेसिड्यू बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होते हैं कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड मीन्स आपके पास कोलाइडर सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट हम डिस्पर्स फेस के बारे में, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम और आपके पास एग्जांपल। आप देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड और गैस को मिला के एरोसॉल बनता है, इसके एग्जांपल फॉग क्लाउड और मिस्ट है। नेक्स्ट है सॉलिड गैस को मिला के एरोसॉल बनता है, इसका स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है गैस और लिक्विड को मिला के फॉर्म बनता है, सेविंग क्रीम बनती है आपके, ठीक है, गैसेस गैस होता है झाग, ठीक है, गैस को लिक्विड में मिक्स करके बनाते हैं फॉर्म, सेविंग क्रीम बनाते हैं। लिक्विड लिक्विड दो चीज़ें हैं, ठीक है, इमर्शन मिल्क फेस क्रीम, मिल्क देखा आपने मिल्क के ऊपर क्या होती है क्रीम होती है, वो ऑयल होती है और नीचे क्या होता है वाटर होता है, ठीक है। तो लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, और फेस क्रीम हो गया लाइक एज दिस, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड मतलब एक सॉलिड होगा दूसरा किस फॉर्म में होगा लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में सॉल्यूशन हो गया, कोई सॉल्यूशन में आपने मान लिया 1 टेबल स्पून मैंने बताया था आपको शुगर ले लिया, लिक्विड आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मर्ट एग्जाम्पल हो गए इसके। गैस और सॉलिड को मिक्स करोगे तो फॉर्म बनेगा,
फॉर्म मतलब आपके पास जैसे आपने देखा होगा जो इंक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे फॉर्म ठीक है, या कॉटन कह सकते हो ठीक है, स्पंज और प्यूमा साइज ठीक है। तो दोनों आपके पास क्या है, एक प्यूमाइक है और आपके पास स्पंज है, दोनों ही इसके बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है लिक्विड और सॉलिड को ऐड करते जेल। कभी आपने देखा होंगे छोटे छोटे बचपन में आप बबल्स फॉर्म होते थे, कलर वाले कलरफुल को आती थी, तो उसको आप वाटर में मिक्स करते थे तो जेल फॉर्म में, जेली फॉर्म में बन जाते हैं। जेल खाइए आपने, चीज़ बटर इसके अच्छे एग्जाम्पल्स है ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड दोनों मिक्स होकर बेटा सॉलिड सॉल बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉलिड पेस्ट बन जाएगा। कलर जेमस्टोन या मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लास मतलब ग्लास फॉर्म में ही होता है आपके पास ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास सॉलिड के एग्जांपल होंगे। तो याद रखिएगा हमेशा थ्री चीज़ अपने माइंड में याद रखना, पहले आपके पास सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आपके पास सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके बनाते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा नंबर पे है कितने टाइप के आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आप ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, दूसरा आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन, तीसरा सस्पेंशन, थर्ड नंबर में इनकी प्रॉपर्टीज याद रखिएगा ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इतना आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन तरीके से कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कोई प्रॉब्लम है ठीक है। अगर नहीं है तो आप कंप्लीट नीट एंड क्लीन कॉपी बनाइएगा ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।